नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि वैकेंसी का आरटीआई का जो रिप्लाई है वो आना स्टार्ट हो चुका है। इस बार 2024 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी। तो किस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे, उसके अलावा किस जोन की वैकेंसी का आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी सीजीएल 2025 में आपको देखने को मिल सकती है, इन सब पॉइंट के बारे में इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सभी जोन की सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग आरटीआई जो है वो डाल दी है। चूंकि यहाँ पे अभी हमें जो है वो सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का ही आइडिया लगेगा। जब सीजीएल 2024 का लगभग मेंस हो जाएगा उसके बाद ये वैकेंसी जो है वो बताना स्टार्ट कर देंगे। अभी सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो हमें पता चलेगी और वहाँ से हमें ये आइडिया लगेगा। चूंकि सीजीएल 2024 की वैकेंसी आ चुकी है तो वहाँ से हम एक आइडिया लगा लेंगे कितनी क्या वैकेंसी आपको पर्टिकुलर जोन वाइज आपको देखने को मिल सकती हैं और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 या सीएचएसएल 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करनी होगी। और टाइपिंग का सिनेरियो सेम वैसा ही है जैसे कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस जो पैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो लेकिन जो प्रीवियस पैसेज हैं उन्हें लास्ट टाइम पे जरूर प्रैक्टिस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हो और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो आया है जीएसटी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जीएसटी डिपार्टमेंट में इस बार आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी जिसे हम सीबीआईसी भी बोलते हैं, ठीक है। और जयपुर जोन की जो वैकेंसी है उसका हमें पता चला है कि यहाँ पे सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की जयपुर जोन में जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 573 है, जिसमें जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 452 है और जो वैकेंट वैकेंसी है यहाँ पे वो 121 है, ठीक है। यानी कि इस बार जो नॉर्थ इंडिया वाले एस्पिरेंट है, चूँकि जयपुर ढेर सारे बच्चे जयपुर राजस्थान यूपी यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको नियर बाई स्टेट चाहिए होता है कि वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 121 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। उसके अलावा सीजीएल 2023 के जितने भी जीएसटी इंस्पेक्टर थे उन सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके अलावा सीजीएल 2024 में यहाँ पे जो जयपुर जोन में वैकेंसी आई है वो 26 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है और ये वैकेंसी जो है वो आपको सीजीएल 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सीजीएल 2025 में सीजीएल 2024 की कंपेयर में डबल से भी ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिल सकती है, यानी कि 50 से ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो आपको जयपुर जोन से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। उसके अलावा आप ये सीक्वेंस भी देख सकते हैं वैकेंसी किस तरीके से आती है। जैसे कि अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर की जयपुर जोन में 7 वैकेंसी आई थी, फिर वैकेंसी 2023 में ज़्यादा आई 108, फिर इस बार कम है। तो इस बार जाहिर सी बात है कि इसका जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, यानी कि इस बार जयपुर जोन में आपको ठीक ठाक अगर 50 प्लस वैकेंसी आती है तो वो अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि जयपुर जोन से आपको इतनी अच्छी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट में इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैडर रीस्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग पूरा जो प्रपोजल है वो बना के ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया गया है डिपार्टमेंट को और ये उम्मीद है कि ये जो है वो अप्रूव भी हो जाएगा। और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस जरूर होंगे, क्योंकि जब कैडर रीस्ट्रक्चर होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ टाइम ड्यूरेशन जैसे कि 10 साल के बाद देखा जाता है कि वहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है जो सही से जिसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, कहाँ पे वैकेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, किस पोस्ट की वैकेंसी कम करने की ज़रूरत है और कौन सी पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों देखने के लिए जो है वो कैडर स्ट्रक्चर होता है, हर 10 साल में होता है। अभी आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है वो कैडर जो न्यू आरआर है वो आपका आ चुका है, जिसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और उसके अलावा जो आपकी प्रमोशंस के थ्रू चीज़ें होती हैं जो उसका रेशियो था उसको चेंज किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी चेंजेस होंगे और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी गई है सीबीआईसी
एससी में वो ये दी गई है कि इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर की जगह पे ये पोस्ट निकालेंगे जिसको ये बोलेंगे ईए, ईए की पोस्ट होगी और जिसको बोला जाएगा इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड, और जिसकी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी क्रिएट की जा रही है। जैसे अभी इसकी जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 4850 है, इसको बढ़ा के 32,000 किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी अगर बढ़ाई जाएंगी तो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में इस बार देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अपडेट में पहले ही आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर जो टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ है इंस्पेक्टर की वो 13,293, उसके अलावा स्टेट वाइज आप देख सकते हैं इतनी इतनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है। यहाँ पर अच्छी वैकेंसी क्यों आएंगी, क्योंकि जो रेशियो है पहले 2:1 का था, यानी कि ये आपकी प्रमोशंस के थ्रू होती थी और ये आपकी रिक्रूटमेंट के थ्रू होती थी, तो इसका जो रेशियो है वो 1:1 कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 300 वैकेंसी आती थी तो 200 वैकेंसी प्रमोशंस के थ्रू होती थी और 100 वैकेंसी जो थी वो रिक्रूटमेंट के थ्रू होती थी। अब क्या होगा कि 150 वैकेंसी रिक्रूटमेंट के थ्रू और 150 वैकेंसी जो होगी वो प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएगी, यानी कि जो वैकेंसी जिस रेशियो में आ रही है उससे 1.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी जो वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेगी। सीजीएल 2024 में आई थिंक 418 वैकेंसी आई है, तो इस बार ये उम्मीद है कि 800 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है ओवरऑल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल की कंपेयर में जस्ट डबल वैकेंसी आपको इस बार देखने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सीबीआईसी में अच्छी वैकेंसी आएगी, ठीक है। उसके अलावा ईएसआईसी जो एक मतलब पहले अपनी अलग रिक्रूटमेंट कराता था उसको भी अब एसएससी में मर्ज कर दिया गया, तो उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। उसके अलावा पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी अच्छी खासी वैकेंट है और सीजीएल 2024 में केवल 4100 वैकेंसी आई, तो अगर यहाँ पे वैकेंसी ये नहीं बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर पीएसए की 2025 में अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का अगर सीजीएल 2024 में वो अच्छा नहीं कर पाए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, सीजीएल 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है तो आप ये मान के चलो, ये मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और जब आपका नोटिफिकेशन आए तो इस चीज़ को आप मैच कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना। आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 या उससे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर पीएसए की यहाँ पे वैकेंसी इसी जल्द 2024 में नहीं बढ़ती हैं और तो यहाँ पे ये जो डाटा है वो इससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 10,000 या उससे ज़्यादा जो वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेंगी। तो 10,000 ये वैकेंसी मतलब बहुत कम नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें अगर आप एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक अपना रोड मैप बनाइए और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। बाकी अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर मिलेगी। बाकी अगर आप सीजीएल 2024 या सीएचएसएल 2024 मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और टाइपिंग आप सीखो कहीं से भी लेकिन जो प्रीवियस पैसेज हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो का लिंक पिन किया हुआ है। अगर डेमो से आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, बाकी डेमो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। तो डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो से आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो अदर जो सॉफ्टवेयर है उनसे कितना डिफर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को दस शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।